वेलकम बैक टू वन चांस वुमन। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे स्केचर का बहुत ही अमेजिंग सा जूता। एंड गाइस आप सच में देख के उसे अमेज्ड हो जाओगे। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा स्केचर्स के जूतों के मामले में। वीडियो में एंड तक बने रहना, फटाफट जूते को एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो हमारा स्केचर्स का बॉक्स आ गया, इसमें आपको कार्डबोर्ड बॉक्स रिसीव होगी, साथ ही यहाँ पे आपको स्केचर का ब्रांडिंग मिल जाएगा। ये वाला जो जूता है वो मैंने स्केचर्स के परफॉर्मेंस सीरीज से लिया है। बहुत सारी चीजें आपको इसके फ्रंट साइड में देखने को मिल जाएगी, प्राइसिंग वगैरह पे हम बाद में आएंगे। इसके साइड में आपको मॉडल नंबर देखने को मिल जाएगा। साइज मेरा इसमें 8 है। फटाफट इससे भी बाहर निकाल लेते हैं। अंदर की तरफ में आपको जो पेपर मिलता है ना, उसके ऊपर में भी स्केचर्स परफॉर्मेंस की ब्रांडिंग की हुई है। एंड गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल इस जूते का जो कलर है ना, वही आपका दिल जीत लेगा। ये वाला जो जूता है बहुत ही खूबसूरत बेबी पिंक कलर में आता है, साथ ही इसके सोल में व्हाइट कलर यूज किया गया है। कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही खूबसूरत है। ओवरऑल ये वाला जो जूता है वो आपको नेटेड मटेरियल का देखने को मिलेगा। एंड इसके ऊपर में आपको दो तरीके से नेटिंग देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इसमें आपको कोई भी लेस वगैरह नहीं मिलता। तो इसका ये जो फ्रंट वाला पार्ट है ना, वहाँ पे इसे काफी ज्यादा स्ट्रेचेबल रखा गया है। एंड बिल्कुल एकदम रबर जैसा होता है ना, वैसे ही इसे शेप भी दिया गया है। साथ ही ये बहुत ही इजिली स्ट्रेच हो रहा है, ताकि आप आसानी से अपने पैर को अंदर घुसा पाओ। फ्रंट साइड में यहाँ पे आपको एक पुल टैब मिल जाता है, जिसपे की स्केचर परफॉर्मेंस की ब्रांडिंग की गई है एक छोटे से पीस के थ्रू। बैक साइड में भी आपको एक पुल टैब मिल जाता है। एंड यहाँ पे स्केचर्स का अल्ट्रा गो कुशनिंग का टैग अटैच किया गया है। इसी के नीचे में आपको एक छोटा सा पीस मिल जाएगा, जिसपे की लिखा गया है स्केचर्स एयर कूल्ड गोगा मैट। एंड इसे टच करके आप इसके सोल को एक्सपीरियंस कर सकते हो। ओवरऑल जूते के साइड में आपको स्केचर्स की लोगो मिल जाएगी, जो कि एस है। एंड इस लोगो को यहाँ पे हल्का सा गोल्डन कलर का हिंट दिया गया है। इसी के नीचे में आपको दो स्ट्रिप्स देखने को मिल जाएंगे, जिसे कि पिंक एंड गोल्डन कलर में रखा गया है। ओवरऑल इस जूते को बहुत ही सिंपल मिनिमल सा रखा गया है। एंड कलर कॉम्बिनेशन भी काफी सटल से यूज किए गए हैं। गोल्डन भी है तो उतना ज्यादा एकदम चटकीला टाइप का नहीं लग रहा है। ये वाली जो स्ट्रैप है वो आपको इसके पीछे के तरफ में ऐसे रैप्ड होके मिलती है। इनर सोल इस जूते का देख लेना, तो यहाँ पे यूज हुआ है स्केचर्स का एयर कूल्ड गोगा मैट, जो कि गाइस बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। जब मैंने इस जूते को पहना था ना, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि एक्चुअल में मैंने कोई शू पहना हो। बहुत ही ज्यादा लाइट वेट होने के साथ साथ इसका इनर सोल जो है वो आपको काफी कंफर्ट प्रोवाइड करेगा। साथ ही इसका जो बैक वाला पार्ट है ना, वहां पे भी आपको कुशनिंग मिल रही है। इसके हील साइड में जहां पे पैडिंग है ना, उसी के साइड में लिखा गया है स्ट्रेच फिट, यानी कि ये बहुत ही इजिली स्ट्रेच हो जाता है, आराम से आपके पैरों में फिट हो जाएगा। ऐसे नहीं लगेगा कि लूज लूज सा दिख रहा है। ओवरऑल पहनने के बाद लुक वगैरह बहुत ही अमेजिंग आती है। इसमें आपको बहुत ही ब्रॉड सा मिड सोल मिल जाएगा, जिसमें कि कटिंग के थ्रू डिटेलिंग की गई है, क्योंकि इसका जो मिड सोल है ना, उसे बहुत ही ब्रॉड सेक्शन में रखा गया है। तो इस जूते को थोड़ा एक चंकियर इफेक्ट भी प्रोवाइड कर रहा है। इतना ज्यादा सॉफ्ट है कि हाथों से तो ये इजिली प्रेस हो ही जा रहा है, बट आप बीरोल में देखो कि ये कितने आराम से एंड कितना अंदर तक प्रेस हो रहा है। इस वजह से आप इसका कम्फर्ट लेवल समझ सकते हो। एंड सच में पहनने के बाद एक अलग ही एक्सपीरियंस कराएगा आपको। एंड इसमें स्केचर्स का अल्ट्रा गो सोल यूज किया गया है, जो कि बहुत ही एक हाई एंड सोल है स्केचर्स के मामले में। साथ ही इसका जो आउटर सोल है, उसके फ्रंट एंड बैक साइड में यहाँ पे आपको हार्ड रबर ग्रिप मिल जाती है। व्हाइट एंड पिंक कलर में इसका आउटर सोल रखा गया है। एंड इसके एंड पार्ट में आपको यहाँ पे भी स्केचर्स की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। बीच में आपको हार्ड रबर ग्रिप नहीं मिलता, बट यूजुअली हमारा जो जूता होता है वो या तो फ्रंट या तो बैक से ही घिसता है। वहां पे आपको अच्छी प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो रही है। तो ये जो हार्ड रबर ग्रिप है वो थोड़ा ऊपर की तरफ से भी यहाँ पे रैप्ड है। एंड अगर ओवरऑल लुक के बारे में बात करें ना, तो जूता आपको फर्स्ट लुक में ही बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव लगेगा, क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा सटल है। तो आपके सारे आउटफिट के साथ ये इजिली जाएगा। एंड अगर आप वैसे हो जिन्हें लेसेस वगैरह उतना ज्यादा पसंद नहीं है, उनके लिए भी ये एक बहुत ही अच्छा सा ऑप्शन है। इतना कंफर्टेबल शू है ना कि आप अपने वॉकिंग के भी दौरान या फिर अपने डेली लाइफ में भी इसे यूज कर सकते हो। या तो चाहो तो अपने मम्मी को या फिर अपनी सिस्टर को भी गिफ्ट कर सकते हो। बहुत ही अच्छा सा ऑप्शन है। अगर प्राइसिंग पे आए तो बॉक्स पे इसकी MRP लिखी गई है 5999। एंड क्योंकि मैंने ये जूता स्टोर से लिया था, तो इसमें मुझे उतना ज्यादा डिस्काउंट नहीं मिला था, बट मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप इनके साइट पर जाके इसे चेकआउट कर सकते हो। आपको अच्छी खासी डिस्काउंट मिल जाएगी। वैसे आप मुझे बताना कि आपको ये जूता कैसा लगा। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। अभी के लिए बाय। जय हिंद। पीस।